बारिश। हाँ, वही बारिश, वही बारिश जो आसमान से आती थी, बूंदों में गाती थी, पहाड़ों से फिसलती थी, नदियों में चलती थी, नहरों में मचलती थी। बारिश आजकल कहीं खो गई है या फिर थककर सो गई है। शायद ऐसा भी हो सकता है, बिना आंसू बादल रो सकता है। हमने भी कितने पेड़ तोड़ दिए, संसद की कुर्सियों में जोड़ दिए। हमने भी कितने पेड़ तोड़ दिए, संसद की कुर्सियों में जोड़ दिए। हमने कुएं बुझा दिए, नदियां सुखा दिए। विकास की ताकत से कुदरत झुका दी। शुक्र है, शुक्र है, अब बच्चे शर्म से नहीं मरेंगे। पानी पी लीजिए। यही चाहिए पानी। आज अगर सही समय पे खेत को ढालने को पानी मिल जाता तो हमारा बेटा विकास भूख से ना मरता। कब तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? कुछ तो करना होगा। सही करियो तुम, आजकल एक किसान को मातम बनाने का समय भी नहीं मिलता। मैं आज से ही बोरवेल खोदने का काम शुरू करता हूँ। कम से कम हम एक दूसरे का पेट पालने जितना कमा ले। हाँ बता, कैसे आना हुआ? माई बाप वो कुछ पैसे चाहिए थे। क्या बोला, सुना नहीं? कुछ पैसे चाहिए थे माई बाप। अबे कुछ का मतलब क्या होता है, कितने चाहिए? यही कुछ लगभग 20,000। क्या 20,000? अबे वापस भी देने हैं कि नहीं देने हैं? अरे भाऊ, इसका तो बच्चा मर गया है ना। अबे तो क्या अंतिम संस्कार के 20,000 रुपए लगते हैं? भाई बाबू, खेत में बोरवेल खोदना था। अबे इसे बता, किसान खुदाल नहीं हल चलाते हैं। चल दिए तुझे 20,000 रुपए, लेकिन इसका गणित अच्छी तरह से समझ ले, बाद में मुझे कोई चिक चिक नहीं चाहिए। जी मैं बाप। हर दिन के 100 रुपए ब्याज लगेंगे, मंजूर है? मैं बाप, अगर मेरे पास देने को रोज के 100 रुपए होते तो मेरा बेटा भूख से ना मरता। अच्छा तो अब ये भी मैं बताऊं कि तू पैसे कहां से लाएगा? ये साले किसान भी ना कौओं की तरह काए काए करते हैं। चल ठीक है, तू मेरी बात ध्यान से सुन। तेरा बच्चा तो मर गया, तेरी बीवी घर पे क्या ही करेगी? उसको मेरे खेत पर भेज, तेरा ब्याज मैं माफ कर दूंगा। ठीक है, तू अपने खेत का ख्याल रख, हम तेरी बीवी का ख्याल रखेंगे। इसको पैसे दे देना, शाम को आके ले जाना। हाँ बिरजू, बता। हाँ बता, क्या हुआ, क्यों इतना परेशान लग रहा है? मुझे सुनने में आया कि आप खेत देके बता सकते हैं बोरवेल कहाँ खोद सकते हैं। हाँ बिल्कुल,
कल हमें खेत में आएंगे। क्यों? वो बोरवेल खुदवाना था। कितने पैसे देगा? साहब देने को तो कुछ नहीं मेरे पास। देख भाई, भारत में चाय और राय के अलावा कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है, और आजकल तो चाय के दाम भी बढ़ गए हैं। दे दूंगा। कितने लगेंगे? 1000 रुपए लगेंगे। दे सकता है तो दे, नहीं तो मेरे पास और भी बहुत काम है। ठीक है ठीक है, तो कल आ जाऊंगा। बिल्कुल। मात्रे साहब से मिलने गए थे का? का कहा उन्होंने? उन्हीं से मिलकर आ रहा हूँ। कल आएंगे वो खेत देखने और बताएंगे फिर बोरवेल कहाँ खोज सकते हैं। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। देवा करे कि सब कुछ ठीक हो और हम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर पाए इस बोरवेल की बदौलत। उम्मीद तो वही है, अब देखो कल क्या होता है। बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे, हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे और नींद से, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे, हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे और नींद से, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। काय बानी, काय बानी, काय बानी, काय बानी। लामा को कोई खबर कर दे कि जिन खेतों से दहकां को मुयसर ना हुई रोटी, किसी ने खेत में जाकर जलाया भी नहीं गंदम के खोशों को, कहीं कोई नहीं उठा ना कोई इनकलाब आया।
जनाजे उठ रहे हैं गांव-गांव से, जनाजे उठ रहे हैं गांव-गांव से, ये सब के सब जनाजे हैं किसानों के जिन्होंने कर्ज की मिट्टी चबाकर खुदकुशी कर ली।